ये ट्रक में जो शिप्स हैं ये आए हुए थे, पोर्ट पे खड़े थे। अक्टूबर से ये मसला चल रहा है। और सोयाबीन जो है वो फीड में यूज़ होती है, पोल्ट्री प्रोडक्ट जो है वो नायाब हो जानी थी, और अभी से ये फीड मिल्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गई थी, और कोई डिपार्टमेंट जो है वो इस पे कान नहीं धर रही थी। ये एक इतना बड़ा इशू बन गया था, और हमें हमें ये महसूस हो रहा था कि जो एक सस्ती प्रोटीन पाकिस्तान 220 मिलियन की आबादी को अवेलेबल है, शायद वो बंद हो जाएगी। तो ये पोल्ट्री एसोसिएशन और इम्पोर्टर्स ने मुझे कांटेक्ट किया। देन मैं यहाँ चीफ बिजनेस एडवाइज़र टू फेडरल टैक्स अम्बड्समैन हूँ। ये केस जो है टैक्स अम्बड्समैन साहब को दिया, और उन्होंने डिटेल में इसमें जाके और इसमें एक रिलीफ जो है इस सेक्टर को प्रोवाइड की है। अब उम्मीद ये है कि हम वो फूड इनसिक्योरिटी का शिकार नहीं होंगे, कम से कम पोल्ट्री और अंडों के हवाले से इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो हो जाएगी। ये एक लैंडमार्क डिसीजन है जो फेडरल टैक्स एम्बड्समैन ने किया है, और इससे एक एक कॉन्फिडेंस की फ़िज़ा भी जो है वो बिजनेस कम्युनिटी में गई है कि देर आर डिपार्टमेंट्स जो जो रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ FTO साहब का कि उन्होंने ये एक ज़बरदस्त डिसीजन जो है आज लिया है।